यूट्यूब के तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, हाज़िर हैं नए प्रोग्राम के साथ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है गधा गाड़ी वाला डॉक्टर, जिसे बलोची में हर गाड़ी कहते हैं, पश्तो में खर गाड़ी कहते हैं और उर्दू में गधा गाड़ी कहते हैं। आपने सुना होगा, देखा होगा कि बहुत से लोगों की ख्वाहिश होती है कि हमारा बच्चा पढ़ लिख कर कोई बहुत बड़ा डॉक्टर बन जाए, हमारा बच्चा पढ़ के बहुत बड़ा डॉक्टर बन जाए। या आप बच्चों से पूछें तो वो आपको यही कहेंगे कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, या बच्चियों से पूछें तो वो ये कहती हैं कि मुझे डॉक्टर बनना है। तो प्यारे दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि हाथ में डॉक्टरी का निशान कहाँ पर होता है, हाथ में डॉक्टरी का निशान कहाँ पर होता है, और ये निशान अगर गहरा हो तो ऐसे फ़र्द जो होते हैं, ऐसे अफराद जो होते हैं, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, उसके हाथ में अल्लाह ताला ने शफा दी होती है। वो अगर आपको कहेगा ना जाओ पानी का गिलास पी लो, आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी, तो इंशाल्लाह अज़ीज़ आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनके हाथ पर ऐसी अलामत रखी है कि उनके हाथ में शफा है। जैसे कि आप खाना खाएँ, वही मिसाला आप जो ना 10 मुख्तलिफ लोगों को दें, वही सारा मटेरियल 10 अफराद को दें या 10 लड़कियों को दें, हर लड़की जब वो खाना पकाएगी तो उसका टेस्ट अलग होगा, क्योंकि टेस्ट ना मिसाले का होता है, ना ही गोश्त का होता है, ना ही किसी सब्ज़ी का होता है। टेस्ट होता है जायका, अल्लाह ताला हाथ में देता है, तो जायका जब हाथ में होगा तो चीज़ अच्छी बनेगी, चाहे वो कोई भी चीज़ बनाए। तो इसी तरह डॉक्टरी भी है, डॉक्टर भी बेशुमार डॉक्टर हैं, मगर ज़रूरी नहीं कि हर डॉक्टर के हाथ में शफा हो, ऐसा नहीं होता। लेकिन क्या है कि आप ज़रा तवज्जो करें अपने बच्चों के हाथ पर, कि उनके हाथ पर अगर ऐसी अलामत है तो ये समझें कि वो बड़े होकर डॉक्टर ज़रूर बनेंगे इंशाल्लाह। वो अलामत क्या होती है मैं आपको बनाकर बताऊंगा। सबसे पहले हम बनाते हैं ज़िंदगी की लकीर, ठीक है जी, उसके बाद ये आ गई दिमाग की लकीर, उसके बाद ये आ गई दिल की लकीर, ठीक है। ये दिल की लकीर, दिमाग की लकीर और ये लक लाइन यानी कि किस्मत की लकीर। ये हम बार बार बनाने का मकसद ये होता है कि हमारे कुछ लोग यानी नए हमारे प्रोग्राम देखने के लिए आते हैं नए लोग, तो उनको भी पता चले कि लकीरें कौन कौन सी हैं, ठीक है। बाद लोग ये ज़रूरी नहीं समझते कि हमारी सारी यानी पीछे से वीडियो देखना शुरू करें, वो जो वीडियो उनके सामने आती है उसी वीडियो को देखते हैं, तो उनके समझ में आ जाता है कि ये लकीरें कौन कौन सी हैं। तो प्यारे दोस्तों, बात हो रही थी गधा गाड़ी वाला डॉक्टर, तो आज मैं आपको जो हाथ बनाकर बताऊँगा वो हाथ एक गधा गाड़ी चलाने वाले का हाथ है, लेकिन उसके हाथ में डॉक्टरी की लकीरें मौजूद हैं। अब आप कहेंगे अगर डॉक्टरी की लकीरें मौजूद हैं तो वो डॉक्टर क्यों नहीं बना, अगर डॉक्टरी की लकीरें मौजूद हैं तो वो डॉक्टर क्यों नहीं बना। उसके डॉक्टर ना बनने की भी कोई वजूहत हैं, डॉक्टर ना बनने की जो वजूहत हैं वो क्या हैं। मैंने जब उनका हाथ देखा तो उनके हाथ में जो किस्मत की लकीर है वो ज़िंदगी की लकीर के अंदर से निकल रही है, ज़िंदगी की लकीर के अंदर से निकल रही है, ठीक है। ये एक साहब का हाथ है कि जिन्हें दो शाखाओं के निकल, ये बहुत ज़्यादा लाडले माँ बाप के बहुत ज़्यादा लाडले जो होते हैं ये उनका हाथ है। और फिर जो किस्मत की लकीर है वो यहाँ से ये लकीर चल रही है जो मैंने बनाई है इस तरह से, एक लकीर कलाई के पास से चल रही है, ये कलाई के पास से ये लकीर चल रही है, ये लकीर जनी कोई और है और ये लकीर कुछ और है। ये जिन्हें लाडले बच्चे के जो मैंने बनाई दो शाखा, इसकी ये अलामत थी। और अब जो मैं आपको बना के बता रहा हूँ वो ये बता रहा हूँ कि गधा गाड़ी वाला डॉक्टर क्यों नहीं बना, इसकी वजह क्या थी। हालांकि इसकी किस्मत का जो आगाज़ होता है बहुत ही अच्छे तरीके से आगाज़ होता है, यानी आप ये समझ लें कि मुंह में सोने का चमचा लेकर पैदा होने वाले बच्चे जिस तरह होते हैं, चाहे गुर्बत में हो लेकिन उनकी हर ख्वाहिश, हर तमन्ना, जो वो खाना चाहें, जो वो इस्तेमाल करना चाहें, जो कपड़े उनके, तो माँ बाप उनको करके देते हैं। तो ये बच्चा स्कूल पढ़ रहा है, ये समझें कि छठी या सातवीं या आठवीं जमात तक ये बच्चा जनी बहुत अच्छा और बहुत बेहतर था। फिर इनकी किस्मत की लकीर जो है वो यहाँ से ज़िंदगी की लकीर के नीचे आ गई, ये अब ये लकीर यहाँ से सीधी चलती चलती ये आ गई, ये है इसकी ज़िंदगी की लकीर के नीचे, ज़िंदगी की लकीर के नीचे आ गई और ये लकीर दब गई। यानी बच्चा अच्छा खासा पढ़ रहा था,
तो इसके वाले साहब को हादसा हुआ, गाड़ी चलाते थे इनके वाले साहब, उनको हादसा हुआ। उस हादसे में इनके वाले साहब दुनिया से कोच कर गए, और कोई ऐसा था नहीं कि इसको कहता कि आप पढ़ो। वालदा रह गई थी और छोटी छोटी दो तीन बहनें थी, ठीक है, वो थी, और उन सबका बोझ इस लड़के पे आके पड़ गया। इस लड़के पे जब ये बोझ पड़ गया, तो लड़का बोझ के नीचे दब गया, इसको तालीम छोड़नी पड़ी। तालीम छोड़ दी इसने, फिर मुख्तलिफ किसी होटल में काम करने लगा, किसी और जनी वर्कशॉप में काम करने लगा। करते 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 इसने देखा किसी जगह से मेरे अखराजात किसी तरह से पूरे नहीं होते, तो फिर इसके किसी अजीज़ ने इसको गधा गाड़ी दे दी कि ये लो गधा गाड़ी चलाओ। तो ये आज भी ये साहब गधा गाड़ी चलाते हैं, तो इनके हाथ में डॉक्टरी का निशान कहाँ पर है? ये अतारद जो ना, अतारद यानी छोटी उंगली जो है इसके नीचे इस तरह का अगर निशान होगा, ऐसे जाली नुमा निशान होगा, तो ये समझें कि ये लोग जो हैं, ये डॉक्टरी का निशान इसको हम कहते हैं कि बिल्कुल जाली नुमा निशान बना होता है, यानी बिल्कुल ऐसी चौकड़ी सी बनी है, उसके बीच में लकीरें इस तरह छोटे छोटे खाने से बने होते हैं, ये डॉक्टरी की अलामत है। तो मैंने जब इन साहब से पूछा, मैंने कहा कि आपके हाथ में तो डॉक्टरी की अलामत है, तो उसने कहा जी बिल्कुल, मैं डॉक्टर बनना चाहता था और मेरे वालदेन की भी ख्वाहिश थी कि मैं पढ़ लिख कर डॉक्टर बनूँ, लेकिन मेरे नसीब ने एक झटका लगाया मुझे, जिससे मेरे वाले साहब की डेथ हो गई और सारे घर का बोझ मुझ पे पड़ गया। यहाँ तक हुआ कि वाले साहब को बचाने के लिए हमने अपना घर भी फरोख्त कर दिया और रेंट के घर पे यानी किराए के घर पे आ गए। अब किराया भी घर का पूरा करना और बहन भाइयों को भी संभालना और मजदूरी भी करना, ये सब करते करते मैं गधा गाड़ी पर आ गया। तो मैंने कहा डॉक्टरी का जो निशान है आपके हाथ में, क्या आपको ऐसी कोई चीज़ नज़र आती है इसमें, जो मैं आपको ज़रा सा बड़ा भी बना के बता दूं ताकि आपकी समझ में सही आ जाए कि निशान किस तरह का होता है। ये देखें, इस तरह का निशान होता है, जैसे गिनती की कॉपी नहीं होती, गिनती की कॉपी होती जिसमें 1, 2, 3 लिखते हैं, इस तरह का निशान अगर हाथ में है तो डॉक्टरी के अलावा। तो मैंने उसको कहा कि कोई डॉक्टरी जो आपके हाथ में, इसका क्या मतलब? उसने कहा जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल वजह फरमाया। बोला जहाँ मैं मजदूरी करता हूँ वहाँ पे कई लोग ऐसे हैं कि जो मुझे अच्छी तरह जानते हैं, और जब किसी के जिन मिसाल सर में दर्द होता है तो वो मुझे कहता है सर में दर्द है, मेरे लिए डिस्प्रिन वगैरह कुछ ऐसी चीज़ ले आओ, तो मैं कहता हूँ ये पानी पी लो बिस्मिल्लाह पढ़ के, तुम्हारे सर का दर्द ठीक हो जाएगा, तो अल्लाह के फजल से ठीक होता है। और मैं तुक्के में भी कोई चीज़ बता देता हूँ तो अल्लाह की रहमत है कि उसको शफा हो जाती है। इसलिए मुझे जो ना, यहाँ मैं मशहूर हूँ गधा गाड़ी वाला डॉक्टर के नाम से। आज तक लोग मुझे गधा गाड़ी वाला डॉक्टर कहते हैं। क्यों? कि उनको पता था मैं डॉक्टर बनना चाहता था, डॉक्टर बन नहीं सका, लेकिन मेरी मालूमात में और इसमें अल्लाह ताला ने ऐसा इजाफा दिया कि मैं किसी को मिट्टी उठा के दे दूँ तो अल्लाह उसको शफा देता। और आज दिन तक मैंने किसी से पैसे नहीं लिए, और ना मैंने कभी यह हुआ कि मैं कोई डॉक्टर था, या मैंने कोई तजर्बा किया, या मैंने कोई तालीम हासिल की, डॉक्टरी पढ़ी, ऐसा कुछ भी नहीं था। ये क्या है कि बस अल्लाह ताला ने मेरे हाथ में शफा दी थी। वही मेरे जो बात आपसे कही कि जायका हाथ का होता है, इसी तरह अल्लाह ताला ने किसी के हाथ में शफा रखी होती है। तो अगर आपके बच्चे के हाथ में इस तरह की लकीर मौजूद है तो आप कोशिश करें, इंशाअल्लाह अज़ीज़, ये बच्चा या बच्ची इंशाअल्लाह डॉक्टर ज़रूर बनेंगे। लेकिन शर्त ये भी है कि अगर लकीरें हल्की होंगी तो उनको कुछ मेहनत करके यानी आगे बढ़ना होगा, अगर लकीरें गहरी होंगी तो अल्लाह के फजल से खुद सारे रास्ते बनते चले जाएंगे, और एक दिन ये आपका बच्चा बहुत बड़ा डॉक्टर बन जाएगा, या बच्ची आपकी बहुत बड़ी डॉक्टर बन जाएगी। तो हाथ में इस निशान को ज़रूर तलाश कीजिएगा। ये था हमारा आज का प्रोग्राम, इसके साथ ही शुरू करते हैं सवाल और जवाब का सिलसिला। जबीन ताज ने सवाल किया है इंडिया से कि आप मेरी सेहत के मुतालिक बताएँ और मेरे हाथ में अगर कोई जज़ीरा है तो उसके बारे में बताएँ। जबीन ताज साहब, आपके हाथ में सेहत की लकीर अल्लाह के फजल से बहुत अच्छी और बहुत बेहतर लकीर है। हाँ, ज़िंदगी की लकीर में जो जज़ीरा है, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई डेंजरस है, ये मामूली से जज़ीरा है। बहरहाल इसके लिए आप अगर पाबंदी से सूरह इखलास जो है उसकी 2 तस्मियाँ पढ़ लिया करें तो अल्लाह के फजल से इसके असरात भी ख़त्म हो जाएंगे। क्यों? ये डेंजरस नहीं है, ये मामूली सा जज़ीरा, आप ये पढ़ेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये ख़त्म हो जाएगा। और इसके साथ साथ आप कोशिश किया करें कि आप ज़रा बहुत ज़्यादा हसास दिल की मालिक हैं तो कोशिश किया करें कोई भी काम जल्दबाजी में ना करें, उसमें नुकसान होने का अंदेशा है। SZ ने सवाल किया है, SZ786 ने सवाल किया है कि मेरी किस्मत के बारे में बताएं कि मेरे पास
माली पोजीशन मेरी बेहतर होगी कि नहीं। अल्लाह के फजल से आपकी किस्मत जो है वो बहुत अच्छी है और बहुत बेहतर है। हाँ, वक्ती तौर पर आप प्रॉब्लम का शिकार ज़रूर हैं, मुश्किलात का शिकार ज़रूर हैं, लेकिन आने वाला वक्त ये समझें कि आपके लिए अल्लाह के फजल से अच्छा होगा, जिससे माली पोजीशन भी अच्छी होगी और वैसे भी हालात बेहतर होंगे। कोशिश किया करें, आपको जब अगर टाइम मिल जाए, आपके पास टाइम हो, तो पहला कलमा या तीसरा कलमा उसकी एक तस्वीर पढ़ लिया करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ बहुत से मसाइल आपके ख़ुद ब खुद हल हो जाएंगे। अब्दुल्ला बसरा ने सवाल किया सियालकोट से कि माली हालात जो हैं बहुत तंग हैं और कर्ज़ा बहुत हो गया है, ये बताएं कि आगे मामलात हल होंगे या नहीं। अब्दुल्ला भाई, अल्लाह के फजल से आगे तो आपके मामलात बहुत ज़्यादा बेहतर नज़र आ रहे हैं और आपकी किस्मत की जो लकीर है वो ज़िंदगी की लकीर से काफ़ी फासले से चल रही है। इसका मतलब ये कि आज तक जो कुछ आपने किया अपनी हिम्मत और अपने बलबूते पे किया, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आने वाला वक्त जो है उसमें आपकी कामयाबी नज़र आती है और बहुत बड़ी कामयाबी के चांस मौजूद हैं। सलमा बानो ने सवाल किया इंडिया से कि जॉब नहीं और इसके अलावा रिश्ता भी नहीं आता, बताएं मैं क्या करूं? देखें, आप कोशिश करें कि दुरूद इब्राहिमी जो है उसकी एक तस्वीर लाजमी पढ़ लिया करें, दुरूद इब्राहिमी की एक तस्वीर लाजमी पढ़ लिया करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मामलात बेहतर होंगे। रही बात शादी की, तो फ़िलहाल 2021 में शादी के कोई चांस नहीं है, 2022 में शादी होगी और शादी अल्लाह के फजल से कामयाब रहेगी और ज़िंदगी बेहतर गुजरेगी। शर्त यह है कि दुरूद इब्राहिमी आपने पाबंदी से पढ़ना है। बुशरा ने सवाल के बुलवाल से कि मैंने अपना और अपने शौहर के टेस्ट वगैरह भी करवा लिए हैं, उसमें बिल्कुल क्लियर आ रहा है और फिर औलाद नहीं हो रही हमारी, ये बताएं कि हमारे नसीब में औलाद है या नहीं? बिल्कुल आपके नसीब में अल्लाह के फजल से औलाद है और आपका नसीब भी बहुत ज़्यादा अच्छा और बेहतर है। लेकिन होता यूँ है बेटा कि कुछ जगह में ये होता है कि शादी देर से होती है और कुछ जगह में ये होता है कि औलाद देर से होती है। आपके हाथ की लकीरों को मुतलक औलाद होगी ज़रूर, मगर उसमें कुछ टाइम दरकार है। एस्टी नाज सवाल करती हैं कुरंगी से कि ये बताएं क्या मेरी दूसरी शादी होगी? जी बिल्कुल, आपके हाथ में दूसरी शादी की लकीर मौजूद है, लेकिन बेटा आप कोशिश करें इश्क मोहब्बत के चक्कर में ना आएँ, इस चक्कर की वजह से आपकी पूरी ज़िंदगी डिस्टर्ब हो सकती है। ठीक है, शादी होगी और शादी कामयाब रहेगी। रानी ने सवाल किया जंग से कि मेरे शादी के मुतलक बताएं और शादी के बाद की ज़िंदगी के बारे में बताएं। रानी साहबा, आप अल्लाह के फजल से हाथ की लकीरों के हिसाब से आप वाकई रानी हैं और किस्मत के हिसाब से भी आप अल्लाह के फजल से रानी हैं। सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप को नज़रे बद से महफूज रखो। तुम्हें ज़िंदगी में जब भी नुकसान होगा, जब भी कोई परेशानी होगी, सिर्फ़ और सिर्फ नज़रे बद से होगी। अनाया अली ने सवाल किया पाकिस्तान से कि शादी मेरी हुई है लेकिन मैं शादी से खुश नहीं हूँ, आगे बताएं कि मेरी शादी चलेगी या नहीं चलेगी? देखें, अल्लाह के फजल से आपके हाथ में लकीर कोई टूटी हुई कोई ऐसी तो नज़र नहीं आती। हाँ, आगे चलकर अगर टूट जाए या बिखर जाए तो कुछ कहा नहीं जा सकता। बाकी अल्लाह के फजल से आपकी किस्मत बहुत अच्छी है। और दूसरा, उभारे मुश्तरी पर एक दो लकीरें चल रही हैं, इसका मतलब ये है कि आप जिस तरह का पीरियड, जिस तरह का वक्त चाहेंगी, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आने वाला वक्त वैसा ही होगा। बहरहाल आप कोशिश करें कि आप जो है सूरह फातिहा जो है उसको पाबंदी से ज़रूर पढ़ा करें, आपकी ये ज़हनी टेंशन और परेशानी दूर होगी और जिस तरह का आप चाहती हैं पीरियड, उस तरह का पीरियड आएगा। नसीबुल्लाह ने सवाल किया है बलूचिस्तान से कि ये बताएं कि मेरी सरकारी जॉब होगी या नहीं। नसीबुल्लाह साहब, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है कि आप कोशिश करें कोई बिज़नेस या कोई कारोबार करें, क्योंकि आपके हाथ में किस्मत की लकीर बहुत अच्छी है और आप किसी का दबाव प्रेशर नहीं मानते और ना ही किसी के कंट्रोल में और मुतहद रह के कुछ कर सकते हैं। तो आप जैसे लोग अगर कारोबार करें तो अल्लाह के फजल से उसमें बहुत कामयाब होते हैं। मोहम्मद अली साहब ने सवाल किया है जाफराबाद से कि मेरी किस्मत में दौलत है या नहीं। आपकी किस्मत में दौलत तो है, लेकिन फ़िलहाल ये जो साल चल रहा है 2021, ये आपके लिए कोई ख़ास अच्छा नहीं है। 2022 से आपके हालात भी अल्लाह के फजल से बेहतर होंगे और आपकी ज़िंदगी में सुकून भी आएगा इंशाअल्लाह। ज़िशान हैदर ने सवाल किया जंग से कि ये बताएं कि मैं अगर कोई कारोबार या कोई बिज़नेस करना चाहूँ तो मेरे लिए कैसा है? प्यारे दोस्त, आपके लिए 2021 बहुत अच्छा है और सोचें नहीं, कदम उठा लें। यकीन करें कि आपके हाथ में कामयाबी की लकीर इतनी बड़ी है
कि मैं कहता हूँ इधर आपने कारोबार शुरू किया, उधर अल्लाह ताला आपको कामयाबी भी देगा, शोहरत भी देगा, नाम भी होगा और मुकाम भी होगा इंशाअल्लाह। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।